सुन। हाँ क्या? अच्छा 21। 21 तो है ही नहीं। अबे 2 का 1 कह रहा है इतनी देर से, समझ नहीं आता। राज सर ये समझ नहीं रहा है इतनी देर से। क्यों नहीं समझ रहा भाई, क्लास में शोर मचा रखा है भाई। सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐसे बता दे, कुछ नहीं आता मुझे। अभी चलना, पढ़ता लिखता है नहीं, मुझे मेरा काम करने दे। सोच ले, बता दूं नेहा के बारे में तेरी बंदी को। बड़ा अच्छा लगेगा उसे जान के कि तू नेहा को 10 वाली बंटा पहन लेके गया था, वो भी टिंकू की दुकान पे। कितने लिखने हैं? बस पास करा दे। यार ये कैसी जगह बिठा दिया मुझे, यहाँ कोई लड़का भी नहीं बैठा और सामने भी चुड़ैल बैठी है, पता नहीं बताएगी या नहीं। ओए सुन। हाँ बोल। यार एक MCQ बता दे। कौन सा? थर्ड वाला डी। और फोर्थ वाला बी। फिफ्थ का भी बी है ना? ज्यादा ना एक्टिंग मत कर, मैं सारे बता रही हूँ, फटाफट लिख। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए और टेंथ का डी। हो गया। थैंक यू यार। और कुछ? बस एक्टिव पैसिव का फिफ्थ बता दे अब तो। लास्ट पक्का लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं। अलास एक्सक्लेमेशन मार्क। अलास क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। यार ये एनिमेशन की स्पेलिंग बता। हैं? यही तो नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा ये बोलना, ये तो मुझे आता है। मैंने फर्स्ट फ्लोर के फोर्थ टॉयलेट में बुक प्लांट कर दी है, जितना आता है उतना लिख के 10 बजे। ठीक है भाई, फर्स्ट फ्लोर के फोर्थ टॉयलेट में 10 बजे। इतनी भीड़ कहाँ से हो गई यहाँ? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो एक कोई बुलाया। तेरी गलती है। व्हाट इज दिस कॉमन सेंस? पेपर इन क्लास, यू आर डूइंग सुसु है? And you think you make fool teacher? Sir, हिंदी में डांट दो ना। साले तेरी तो। और भाई पढ़ाई हो गई तेरी? भाई अभी तो मैं टीवी देख रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई कर ले, कल ही है पेपर। तू रॉकी की टेंशन मत ले चंपू, मेरा रात रात में सब हो जाएगा, तू पढ़ ले। पर यार चिट पेपर फर्रा, कुछ भी हो तो यहाँ रख दो, नो अनफेयर मींस विल बी टॉलरेटेड। हे यू, सॉरी सर। यू थिंक यू कैन फूल अ टीचर? बात समझ नहीं आती, अब करो ऐसी। देख भाई तुझे कहानी था, पढ़ ले, ये सारी चीजें हमेशा नहीं चला करती। तुझे क्या लगता है मैं इतनी कच्ची तैयारी से आया था? जो चिट मैंने सर को दी है वो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं है, अब सर मुझ पर शक नहीं करेंगे। अलग ही लेवल के चीटर है यार। कमेंट करके बताओ तुम कौन से वाले हो, और सब्सक्राइब करके जाना।